मैं इसी सर, आज आप हमारा थंबनेल देख के मेरे लाडलो समझ गए होंगे कि जीएसटी का इम्पोर्टेंस जो है ट्रिक्स लेकर आपके बीच में लेकर आया हूँ। और ये ट्रिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन की एग्जाम में काम आने वाले हैं। याद रखिएगा मेरे लाडलो, ये क्या है, रचना से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? रचना से संबंधित है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रचना से संबंधित एग्जाम में आपको पूछता है कि प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध उपन्यास किसने लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए ट्रिक है मेरे लाडलो कि तुलसीदास की प्रमुख रचना है। क्या बोले? तुलसीदास की प्रमुख रचना। तो याद रखिएगा दो काबीरा। क्या बताए मेरे लाडलो? दो काबीरा। क्या बोले? दो काबीरा। क्या बोले? दो काबीरा। दो और क्या है? काबीरा हो जाएगा। क्या होगा? काबीरा हो जाएगा। दो मतलब होता है मेरे लाडलो दोहावली। क्या बोले? दो का मतलब क्या बताए मेरे लाडलो? दोहावली। और का मतलब क्या बताए? कवितावली। दो मतलब क्या? दो किसी को देना होता है, क्या बोलते हैं? दोहावली। दोहा देते हैं, है ना? क्या दे देंगे? दोहावली, दोहा देंगे। और का मतलब क्या होगा? कविता। कविता। क से क्या बोलेंगे? कविता सुनाओ। व से क्या होता है? विनय। इधर सुनो रे, विनय पत्रिका। व से क्या बोलेंगे? विनय पत्रिका। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कंपटीशन एग्जाम में यह सवाल पूछा हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लाडलो। कि र मतलब क्या होता है? रामचरितमानस। याद रखिएगा हिंदू का बहुत बड़ा यह क्या है? ग्रंथ है। हिंदू धर्म के सबसे बड़ा यह क्या है? ग्रंथ माने जाते हैं। कौन सा? रामचरितमानस। कौन सा मेरे लाडलो? याद रखिएगा कि रामचरितमानस, याद रखिएगा, बहुत बड़ा यह क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है। याद रखिएगा मेरे लाडलो, जो तुलसीदास जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि तुलसीदास कौन थे। तो याद रखिएगा तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत थे। तुलसीदास याद रखिएगा हिंदी साहित्य के महान संत थे। तुलसीदास कौन थे? हिंदी साहित्य के महान संत थे। और इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1532 को। याद रखिएगा मेरे लाडलो, इनका जन्म कब हुआ था? 13 अगस्त 1532 को। और जन्म कहाँ हुआ था मेरे लाडलो? उत्तर प्रदेश में। उत्तर पुत्र भी बोल सकते हैं, यूपी को क्या बोलेंगे? उत्तर पुत्र। क्या बोलेंगे मेरे लाडलो? उत्तर पुत्र। तो उत्तर पुत्र में कौन जन्मा था? तुलसीदास जी। याद रखिएगा कि इनका मृत्यु 31 जुलाई 1623 में हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1623 में, जुलाई में मरा था। याद रखिएगा। और इसके वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। याद रखिएगा इसे किसका अवतार माना जाता है मेरे लाडलो? वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। और याद रखिएगा ये प्रसिद्ध कवि थे। याद रखिए इनके जो शिक्षा दिया था, इनके जो गुरु थे उसका नाम था नर हरिदास। क्या बोले? नर हरिदास। इससे इंपॉर्टेंट है गुरु से रिलेटेड कि इसको याद रखिए, तुलसीदास जी के प्रमुख गुरु जो थे उसका नाम था नर हरिदास। और याद रखिएगा ये कौन सा शताब्दी के थे? 15वीं शताब्दी के थे मेरे लाडलो, है ना? इस तरह का जीएस का ट्रिक देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू।